तो भाई देखो, अगर तुम इस बात से दुखी हो कि भारत जो है वो साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट मैच हार गया है, तो चिंता नहीं करने का, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि भारत दूसरे टेस्ट मैच में बहुत ही खतरनाक कमबैक करने वाला है, क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत ने भारत से साउथ अफ्रीका में एक प्लेयर को बुलाया है जिसका नाम है आवेश खान, जो पूरे तरीके से साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों की मार लेगा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान, आज मैं नई क्लास में चार सेवंथ स्टैंडर्ड, जरा मेरा ख्याल रखना भगवान प्लीज। अब भाई ये बुमराह की हमें कोई जरूरत नहीं है, जब खुद लॉर्ड आवेश खान आ चुके हैं तो ये बुमराह क्या ही कर लेंगे। मेरे को तो देखो भाई समझ में नहीं आता है कि इतना खराब बैकअप इंडिया के पास क्यों पड़ा हुआ है। वो आवेश खान जिसको आईपीएल 2024 के लिए राजस्थान ने ट्रेड कर लिया लखनऊ से, लखनऊ जो की एक फ्रेंचाइज टीम है उसको जिस बॉलर पे भरोसा नहीं है, वो बॉलर इंडिया का वन ऑफ द मेन बॉलर बन के बैठा हुआ है, ये सच में हमारे लिए शर्म की बात है। अभी को शायद अगर वो मैच खेले, मुझे उम्मीद बहुत कम है कि वो खेले, पर अगर वो खेलते हैं उसमें वो ठीक ठाक कर देते हैं, तब भी पता नहीं मुझको भाई उन पे भरोसा नहीं आता है आवेश खान पे कि इसके अंदर कोई फ्यूचर छुपा हुआ है। क्योंकि भाई देखो अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कोई बॉलर बॉलिंग कराए ना तो भाई देख के लगना चाहिए वाह क्या बॉल कराई है, उसके बाद विकेट मिले ना मिले वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन देख के लगना चाहिए कि बॉलिंग खतरनाक जा रही है, देखने में लग रहा है कि भाई क्या बॉल डाली है, देखने में लग रहा है कि बैट्समैन की फट रही है, तब जाके मैं किसी बॉलर को अच्छा बॉलर बोल पाता हूं। खैर देखो, जहां साल 2023 खत्म होने को आ गया है और एक इंडियन फैन होने के नाते साल 2023 हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं गया है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप हारे हैं, उसके आगे पीछे हमने कोई सीरीज जीती हो या एशिया कप जीता हो, ये सब बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि हम जो हारे हैं वो इतना बड़ा था कि भाई उसका कंपनसेशन नहीं हो सकता है। पर फिर भी अगर हमसे पूछा जाए कि यार सबसे बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट में क्या रहा एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते, तो भाई मैं एक ही जवाब दूंगा, विराट कोहली। हाँ ये सत्य है कि रोहित शर्मा का भी एक अलग ही हमें लेवल देखने को मिला बैटिंग में, खासकर वर्ल्ड कप 2023 में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं साल 2023 की बात करूं तो विराट कोहली ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है अपने बुरे वक्त से, कसम से एक अलग ही हौसला आ गया। और इसका मैं तुम्हें इतना बड़ा सबूत देने वाला हूं ना, जिससे देख के तुम ये 100% कहोगे हां भाई सच में इंडियन क्रिकेट के लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है साल 2023 का, वो कोई और नहीं, वो किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली रहा है। पर इससे पहले कि मैं तुम्हें सबूत दूं, उससे पहले तुम मुझको कोई सबूत मत देना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सबूत है इस बात का कि जो भी ज्वाइन करता है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को, उसकी जिंदगी तो बने ना बने लेकिन उसका बैंक बैलेंस बहुत हद तक जरूर बन जाता है, क्योंकि प्रिया जी इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन रोज दिए जा रही हैं, जो ज्वाइन कर चुका है वो जानता होगा, वो पहचानता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर तुम नहीं जान रहे हो तो कुछ मत करो भाई, सिर्फ एक काम करो, आंख बंद करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जाके देखो भाई जो भी मैच आज के दिन हो रहा है उसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस किस हद तक मिल रही हैं। अगर तुम्हें लगे कुछ मैचेस बाद, चलो आज के मैच जो भी हो रहे हैं वहां तुम कुछ मत करना, लेकिन अगर तुम्हें लगे भाई लगातार इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई कैसे दे रहा है, तो जाके टीम वगैरह बना लेना, जो कि तुम वैसे ही बनाते होगे प्रेडिक्शन वगैरह करके, पैसे कमा लेना, और क्या चाहिए जिंदगी में, फ्री में तुमको टेलीग्राम पे प्रेडिक्शन मिल रही है, वरना व्हाट्सएप चलाते होगे तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, वहां जाके डीएम कर दो वहां सेक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल रही है, तुम्हें तो बस प्रेडिक्शन उठानी है फ्री में, टीम वगैरह बनानी है, प्रेडिक्शन करनी है और मस्त पैसा कमाना है। अब अगर तुम ये भी नहीं करना चाह रहे हो, तुम्हारी मर्जी, हमें सही लगा, हमने बता दिया, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। लेकिन अब तुम्हें मैं वो सबूत देता हूं जिसकी बात मैं इतनी देर से कर रहा था, कि जिसको देख के तुम ये 100% मानने लगोगे कि साल 2023 में इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा गिफ्ट जो रहा है वो विराट कोहली का ट्रांसफॉर्मेशन ही रहा है। क्योंकि अगर हम साल 2023 में विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो 36 इनिंग में 2048 रन मारे हैं, एवरेज रही है 66.06 की, 100 मारे हैं 8, 85 मारे हैं 10, और भाई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। इसके अलावा साल 2023 में जो आईपीएल भी हुई थी वहां भी विराट कोहली ने टोटल 639 रन मारे थे। इसके अलावा तुम्हें और बताऊं ना, तो साल 2023 में विराट कोहली ने 6 मैन ऑफ द मैच जीते, 2 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स मिले, उसके अलावा वर्ल्ड कप में देखो 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले थे, उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बने थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड विराट कोहली को मिला था, वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही कि भाई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विराट कोहली ने शतक मारा और वर्ल्ड कप के फाइनल में भी विराट कोहली ने अर्धशतक मारा। मतलब कुल मिला के विराट कोहली साल 2023 में अपनी तरफ से एज अ प्लेयर जितना कुछ कर सकते थे, एज अ टीममेट जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे, वो सब
कुछ किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है उनको बदले में वो नहीं मिला जो असल में वो डिजर्व करते थे। और बेचारे कुछ लोग इतने मूर्ख हैं कि वो अब भी विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर करेंगे, वो बाबर आजम जिनके अगर हम साल 2023 के सिर्फ टेस्ट मैचेस के भी स्टैट्स उठा लेना तो वो कुछ इस प्रकार हैं। 9 इनिंग में 205 रन मारे हैं, एवरेज रही है मात्र 22 की, ना ही एक भी अर्धशतक मारा है और ना ही एक शतक मारा है। और विराट भैया तो साल खत्म होते होते ही टेस्ट मैच में एक अर्धशतक मार आए हैं, वो भी उस पिच पे जहां उनके अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं चल रहा था। खैर, बैट्समैनों के ना चलने से याद आया कि जैसे ही भारत साउथ अफ्रीका से ये पहला टेस्ट मैच हारा था ना, तो चारों तरफ सोशल मीडिया पे अजिंक्य रहाणे का नाम ट्रेंड करने लगा था। बहुत लोग कह रहे थे कि यार रहाणे यहां पे जा सकते थे, क्योंकि रहाणे का इंडिया के बाहर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी शानदार है। और रहाणे ने देखो हाल ही में कमबैक किया था जब सीएसके के लिए खेलते हुए आईपीएल 2023 में लाजवाब वो बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद डब्ल्यूटीसी में आए थे, वहां पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हुए वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे इंडिया के, उसके बाद वेस्टइंडीज सीरीज में उनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन कुछ थोड़ा सा जल्दी हो गया, लोगों को लगा कि रहाणे को ड्रॉप कर दिया गया। इतने जल्दी आपको उन्हें नहीं हटाना चाहिए था, या तो हटाना था तो फिर उनको ऐसे कमबैक नहीं कराना चाहिए था। अगर कमबैक कराया है तो कुछ मैचेस तो देने चाहिए थे ना, लेकिन फिलहाल देखो लोगों का क्या मानना है उनके बारे में, वो तो वक्त ही बताएगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने मन बना लिया है कि अब रहाणे के बारे में नहीं सोचना है। पर रहाणे कल के दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक स्टोरी शेयर करते हैं जहां वो लिखते हैं नो रेस्ट डेज, और मस्त प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि रहाणे टॉन्ट मार रहे हैं, भाई देखो तुम्हें मुझे बाहर नहीं करना चाहिए था, अगर बुलाए थे, भरोसा दिखाए थे तो थोड़ा खेलने तो देते, थोड़ा सा दिखाने तो देते, लेकिन आपने तो कहा भैया दो मैच में चले लेकिन दो में नहीं चले, चलो टीम से बाहर निकलो। उसी के साथ साथ कुछ लोगों का मानना था कि रहाणे कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि भाई आईपीएल 2024 आने वाली है ना, एक बार फिर से दिखाता हूं रहाणे असल में चीज क्या है। क्या आप लोग को लगता है कि सच में इंडिया ने रहाणे या फिर पुजारा को इस टेस्ट मैच मिस करा, या फिर उनसे आगे बढ़ जाना ही सही है? जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे देखो मैंने वीडियो की शुरुआत में तो एक छोटा सा मजाक किया था कि आवेश खान आने वाले हैं जो पूरे तरीके से इंडियन टीम को ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन असल में एक अच्छी न्यूज है, हाँ सच में अच्छी न्यूज है कि जडेजा जो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे थे, बहुत चांसेस है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में दिखेंगे। देखो वो पहला टेस्ट मैच भी खेलने वाले थे, लेकिन टेस्ट मैच शुरू होने से जस्ट कुछ घंटे पहले उनको अपर बैक स्पैज़म हो गया था, जिसके चलते अचानक से डिसीजन लिया गया कि इस मैच में जडेजा नहीं अश्विन खेलेंगे। लेकिन खबर आती है कल के दिन कि जडेजा जो है वो बहुत हद तक अपनी इंजरी से रिकवर हो चुके हैं और दूसरे टेस्ट मैच में जलवे बिखेरते हुए देखने को मिल सकते हैं। और भाई जडेजा के आने से ना सच में फायदा होगा, बकायदा हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जडेजा टेस्ट मैच में आसानी से आउट नहीं होते हैं, कैसी भी पिच हो लेकिन बंदा रन मार देता है और बॉलिंग में तो कमाल कर ही सकता है। भले स्पिन फ्रेंडली पिच हो या ना हो, उसकी स्पिन ऐसी है ना कि उसको ज्यादा पिच से फर्क पड़ता नहीं है, स्पिन हो तो बहुत ही अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, विकेट ही तो लेने हैं वो तो वैसे भी ले लेंगे। खैर चलो जाते जाते मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चल रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। मतलब पाकिस्तान वाले वैसे तो कंपेयर खुद को करते रहते हैं इंडिया से, लेकिन इनकी औकात क्या है ना टेस्ट मैच में पता चल जाता है। हाँ ठीक है इंडिया भी साउथ अफ्रीका से हारी है, लेकिन भाई इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बार बार लेती है हम सब जानते हैं। वहीं अगर हम देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान देखो पिछले 28 साल में, सच बता रहा हूं, पाकिस्तान पिछले 28 साल में ऑस्ट्रेलिया से जीरो मैच जीती है, जीरो मैच ड्रॉ कराए हैं, लगातार 16 हार मिली हैं। मतलब इतने बुरे तरीके से लेती है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की बार बार कि पाकिस्तान को खुद कहना चाहिए कि हम टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं, हमारे बस का नहीं है। इसीलिए जो लोग पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करते रहते हैं ना, उन्हें मैं ये कहता हूं कि यार देखो बिजली को आग से, साबुन को झाग से और बेटे को बाप से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि वो कहा था ना सहवाग भाई ने अख्तर भाई को, एक बार याद है ना क्या कहा था कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है, क्या इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में कमबैक कर पाएगी? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन क्रिकेट के लिए साल 2023 का सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या रहा है, तो जो भी आपका जवाब होगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जाके एक बार देखिएगा, रुक के थोड़ा देखिएगा कि यहां पे जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं सच में इतनी एक्यूरेट आ रही जितनी मैं कह रहा था। जब आपको यकीन हो जाए उस
उसके बाद जो भी आप टीम बनाते हैं उनकी प्रेडिक्शन का यूज करने का, फिर टीम बनाने का, प्रेडिक्शन करने का, पैसा कमाने का, बाकी जो ठीक लगे वो करने का, मेरा काम तो बताना, मैंने बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।